वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक एम्पियर में हमारे कितने वाट होते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, पावर सप्लाई यानी कि जिसको हम वाट से डिनोट करते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? इसका हमारा फॉर्मूला है वी इंटू आई, आई फॉर एम्पियर। ठीक, वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर, ठीक है, या वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार एक घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, अगर मैंने बोला आपसे कि एक कार एक घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, तब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसा क्वेश्चन है। जब तक हमें कार की चाल नहीं पता होगी तब तक हम उसकी दूरी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। ये हमारे दूरी नापने का फॉर्मूला है। अब मैंने आपसे बोला कि एक कार एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, भाई यहां पर आप समय की जगह एक घंटा रख देंगे, लेकिन चाल की जगह क्या रखेंगे? चाल तो मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन वहीं मैं आपसे बोल देता हूं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक कार एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, तब आप क्या करेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, यानी कि चाल की जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, गुणा समय एक घंटा, कितने किलोमीटर जाएगी? 50 का गुणा एक में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 50 किलोमीटर। ठीक है, आपने बड़े आसानी से बता दिया कि अगर हमारे कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक घंटे में हमारी कार 50 किलोमीटर जाएगी। सेम वहां पर भी यही चीज फॉलो हो रही है, भाई एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, आपके पास एम्पियर तो है कि यहां पर आपने रख दिया एक एम्पियर, एम्पियर की जगह एक रख दिया, लेकिन वोल्टेज की जगह आप क्या रखेंगे? आपको वोल्टेज भी तो पता होने चाहिए, तभी तो आप वाट निकाल पाएंगे कि एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं। जब तक आपको वोल्टेज नहीं पता तब तक आप वाट नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखिए, हमारा करंट दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। ठीक, अच्छा, अब जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो यहां पर वाट निकालना यानी कि पावर सप्लाई निकालना इजी होता है। वहां पर आप क्या करेंगे? वोल्ट इंटू आई यानी कि एम्पियर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आसानी से निकल आएगा कि कितने वाट होते हैं हमारे एक एम्पियर में। लेकिन वहां पर भी आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, जब तक वोल्टेज नहीं पता तब तक आप वाट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अच्छा, अब बारी आती है एसी करंट की। तो देखिए, यहां पर वाट निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी कि जो पावर सप्लाई का फॉर्मूला है वो क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लाई आई, आई फॉर करंट, ठीक, मल्टीप्लाई कॉस फाई। कॉस फाई की जगह यहां पर हम रखते हैं वैल्यू पीएफ की, जो हमारा करंट पावर फैक्टर चल रहा है। ठीक, अमूमन जो हमारा पावर फैक्टर चलता है वो चलता है 0.1 यानी कि 0.8 से एक तक होता है हमारे घरों के बीच। ठीक है, जो हमारे घरों में जो पावर फैक्टर इस तरीके से होता है, वैसे तो ये 0 से 1 तक होता है, हम एक तक लाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी भी विद्युत उपकरण का पावर फैक्टर जब हम उसको चलाते हैं एक हो जाता है तो वो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने घरों में उपकरण चलाते हैं, जब आप मीटर में भी देखेंगे तो वहां पर 0.1 के करीब रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम इंडक्टिव लोड भी चलाते हैं, ठीक है, रेजिस्टिव लोड भी चलाते हैं, तो 0.8 से 1 के बीच ये रहता है। ठीक है, 0.8 भी हो सकता है, ठीक है, 0.9 भी हो सकता है, 0.97 भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये हमारा पावर फैक्टर रहता है। अच्छा, यहां पर जब ये 0.97 है, 0.9 है, 0.8 है, तो इस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं लॉस है वो। ठीक है, वहां पर हमारे वॉटेज कम बनेंगे। ठीक, समझते हैं।
तो देखिए यहां पर हम वी की जगह क्या रखेंगे, वी की जगह हमें रखना है वोल्टेज। और अमूमन जो हम लोगों के यहाँ जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 220 से 240 वोल्टेज तक, लेकिन यहां पर हम मिनिमम वोल्टेज रख लेते हैं 220 वोल्टेज। ठीक है, ज्यादातर घरों में 220 वोल्टेज ही आते हैं। वैसे तो यहां पर आपको वो वोल्टेज रखने चाहिए, किसी मीटर की सहायता से पहले आप चेक करिए, किसी मीटर की ऐप से पहले आप चेक कर लीजिए, क्लैंप मीटर है और दूसरे मल्टीमीटर है, आप चेक करिए कि करंट वोल्टेज सिस्टम कितने आ रहे हैं, आप यहां पर वो रखेंगे। लेकिन अभी आपके पास मीटर नहीं है तो वहां पर आप 220 वोल्टेज रखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो एम्पियर की जगह एक मल्टीप्लाई। अच्छा, यहां पर हम पीएफ की जगह पे क्या रखेंगे, तो देखिए पीएफ जो हमारे घरों का बनता है वो अलग अलग लोड को चलाने से अलग तरीके से बनता है। जब आप रेजिस्टिव लोड चलाते हैं, रेजिस्टिव लोड में आपकी लाइट हो गई, हीटर हो गया, मतलब जिन चीजों में एलिमेंट है, जो चीजें गर्म होती हैं, वहां पर आपका पीएफ बनेगा एक। वहीं जब आप इंडक्टिव लोड चलाते हैं, पंखा हो गया, कूलर हो गया, या समरसेबल पंप हो गई, तो यहां पर आपका पीएफ एक से घट जाता है, 0.80 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, वहां पर आपकी बिजली का लॉस हो रहा होता है। ठीक, तो यहां पर हम एवरेज पीएफ ले लेते हैं 0.90। वैसे यहां पर आप जब एक्चुअल पीएफ रखना चाहते हैं तो आपको एनर्जी मीटर पे देखना पड़ेगा, वहां पर एनर्जी मीटर में शो होता है हमारा करंट पीएफ सिस्टम कितना चल रहा है। अच्छा, यहां पर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 220 गुणा 1 गुणा 0.90, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 198। यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 198 वाट। ठीक, मतलब एक एम्पियर में हमारे कितने वाट बनेंगे, 198 वाट। अच्छा, वहीं जब हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, डीसी के वाटेज चेक करते हैं, तो यहां पर हम वोल्ट रख लेते हैं 220। ठीक, मल्टीप्लाई करंट हमारा एक एम्पियर। अच्छा, यहां पर डीसी करंट में कभी भी पीएफ नहीं होता। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहां पर जो हमारे वाटेज बनते हैं वो बनते हैं 220 वाट। ठीक, कितना अंतर है, डीसी में कितने वाटेज बनने हैं एक एम्पियर में, और एसी करंट में कितने वाटेज बनने हैं एक एम्पियर में, 198 वाट, और यहां पर 220 वाट। वहीं जब आप थ्री फेज की कोई चीज चला रहे हैं तब कितने वाटेज बनेंगे थ्री फेज की चीजों में, तो यहां पर सबसे पहले आप लेंगे √3 गुणा वोल्टेज गुणा आई मींस करंट यानी कि एम्पियर मल्टीप्लाई पीएफ। अच्छा, हमारे √3 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई एम्पियर यानी कि करंट है हमारा एक, और पीएफ मैंने अभी आपको बताया 0.90। सबका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा √3 की वैल्यू में क्या रखेंगे, 1.732। ठीक, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 1.732 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.90, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 342.936 वाट। और करके लिख लेंगे, मतलब इसको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है, राउंड फिगर में लिख लेते हैं, तो राउंड फिगर में हमारा आंसर आ जाता है 343 वाट लेगी वो मशीन या वो इक्विपमेंट जब वो थ्री फेज में है। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एम्पियर में कितने वाटेज होते हैं। यहां पर हमारे वाटेज घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, वो डिपेंड होता है हमारे वोल्टेज पे और हमारे पीएफ पे। किस पे डिपेंड होगा, वोल्टेज पे और पीएफ पे। भाई यहां पर 220 की जगह 240 भी हो सकता है, पीएफ हमारा 0.90 है, क्या पता यहां पर हमारा पीएफ 1 बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे वाटेज कम ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।